तो इनफैक्ट बहुत सारे गेम जो पॉपुलर टाइटल्स हैं दोस्तों, आप 90 FPS पे खेल पाओगे हाईएस्ट सेटिंग पे। हमने खेल के देखे गेम्स प्ले। Realme 13 Plus BGMI को 90 FPS के ऊपर चलाता है, ये चीज़ आपने हर बड़े यूट्यूबर से फिलहाल सुन रखी होगी। और कुछ यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि 90 FPS इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्मूथ चलता है। और इस बात पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो लोग इस चीज़ के लिए स्कैम कर रहे हैं। और Realme ने इस चीज़ को बोलने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे गेमर्स को और यूट्यूबर्स को दिए भी हैं। और जब ये फ़ोन का प्राइस मैंने पहली बार देखा तो मेरे को पता चल गया कि ये फ़ोन इस प्राइस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना। अगर ये इससे थोड़े कम प्राइस पे होता तो शायद ये एक बहुत अच्छी डील होती। और अगर आप गलती से इस फोन को लेने को सोच रहे हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले अगर फोन के डिजाइन की बात करी जाए तो फोन का डिजाइन साफ देख के पता चलता है, इसके अंदर कोई भी वीगन लेदर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। और ये फोन देखा जाए तो 23,000 की प्राइस पर लॉन्च हुआ है और 23,000 में अब वीगन लेदर एक मैंडेटरी चीज हो जाती है, क्योंकि जितने भी ब्रांड्स हैं वो 20,000 के ऊपर और कुछ मोटरोला ऐसे ब्रांड तो 10,000 के अंदर भी वीगन लेदर दे रहे हैं। और यहाँ पे हमें सिर्फ प्लास्टिक बैग मिलती है, क्योंकि अभी के टाइम पे चीप फील होती है। ग्लास बैग में एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट वीगन लेदर तो देना ही चाहिए। लेकिन एक बात अच्छी है कि रियलमी ने इसके अंदर 3.5mm का जैक इंक्लूड करके दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और मेरे जैसे लोगों के लिए थोड़ा बहुत आसान हो जाती है जो कि वायर्ड ईयरफोन्स को यूज़ करते हैं। अब डिस्प्ले की बात करी जाए तो इस फोन के अंदर 6.67 इंच का फ्लैट एमोलेड पैनल देखने को मिलता है, जिसके अंदर अंडर डिस्प्ले सेंसर भी देखने को मिलता है, जो कि अभी इस टाइम पे बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन ज़्यादातर इस प्राइस के ऊपर अभी हमें मोस्टली फोन्स, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द फोन्स कर्व डिस्प्ले वाले देखने को मिलते हैं, और उनके सामने देखा जाए तो फ्लैट डिस्प्ले अब उतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगता। और अगर मल्टीमीडिया यूजर्स की बात करी जाए तो इस फोन के अंदर HDR का प्लेबैक मोस्टली हर चीज़ के अंदर देखने को मिल जाता है, और YouTube के अंदर तो 4K HDR तक आराम से प्ले कर सकते हो। फोन के स्पीकर्स के टेस्ट की भी बात करी जाए तो स्पीकर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। Dolby Atmos का सपोर्ट तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन फिर भी Realme के जैसे बाकी फोन के स्पीकर होते हैं वैसे ही इस फोन के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। हैप्टिक सपोर्ट्स की बात करी जाए तो हैप्टिक हमें नॉर्मल वाले देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और अच्छे हो सकते थे इस प्राइस के अंदर, क्योंकि Redmi कुछ फोन्स में दे देता है, लेकिन अब इन्होंने नहीं दिए तो उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ में कटौती ही करते दिख रहे हैं अभी तक तो। अब प्रोसेसर की बात करी जाए तो इस फोन के अंदर हमें देखने को मिलता है Dimensity 7300 एनर्जी प्रोसेसर, जो कि थोड़ा बहुत बूस्टेड स्कोर्स निकाल के देता है कंपेयर टू नॉर्मल 7200। और इस चीज़ को मैं थोड़ा बहुत क्लियर करना चाहूँगा, आपको एक चीज़ याद होगी कि पहले OnePlus की एक न्यूज़ आई थी कि OnePlus थोड़े बहुत एंटीटू को मैनिपुलेट करता था, और वही चीज़ अब मुझे लगता है कि खुले में हो रही है, क्योंकि इतना कुछ ज़्यादा बहुत फ़र्क परफॉर्मेंस में, रियल लाइफ परफॉर्मेंस में नहीं होता, लेकिन एंटीटू स्कोर्स को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता, बताया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है नॉर्मल चिप से, जो कि ऐसा कुछ नहीं होता। यही चिप की बात करी जाए तो CMF फोन 1 जो कि 15-16,000 में देखने को मिल जाता है, उसके अंदर भी हमें Dimensity 7300 देखने को मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करता है और ऐसा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता। और रही बात करें गेमिंग की, जैसे कि 90 FPS इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है, तो 90 FPS इस फोन के अंदर भले ही अनलॉक्ड मिलता है लेकिन कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है। ये एयर एंगल के अंदर ऑलमोस्ट 40 FPS के भी नीचे आ जाता है कभी कभी, और 90 FPS तक तो बहुत रेयर जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेयर, ज़्यादातर ये 60-70 के बीच में, या फिर सकते हैं कि 40-70 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है, और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन गेमिंग के टाइम पे देखने को मिल जाती है। अब UI की बात करिए तो इसके अंदर Realme UI 5 के साथ Android 14 देखने को मिल जाता है, जो कि कोई बुराई नहीं है उस चीज़ के अंदर, लेकिन बुराई जिस चीज़ के अंदर है, ये लोग बोलते हैं कि फ़ोन के प्राइसेस को कम करने के लिए हमें ब्लॉटवेयर्स इंक्लूड करने पड़ते हैं। इस फ़ोन का प्राइस ऑलरेडी ज़्यादा है, तो इसका कम करने के लिए मेरे को नहीं समझ में आया इतने ज़्यादा ब्लॉटवेयर्स इस फ़ोन के अंदर ऐड करेगा जितने नॉर्मल Realme के फ़ोन्स में नहीं होते, लाइक बहुत ज़्यादा, पहले जैसे 1-2 साल पहले करे जाते थे वैसे ही इस फ़ोन के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लॉटवेयर्स सेशंस, मतलब परेशान कर दे आदमी को, इतने देखने को मिल जाते हैं। अब कैमरा की बात करूँ तो इस फोन के अंदर कैमरा अच्छा देखने को मिलता है, जैसे कि लास्ट टाइम की तरह हमें सोनी का LYT 600 50 MP का सेंसर देखने को मिलता है, जो कि अच्छे फोटोज लेता है क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो चुका है। और साथ में एक 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा बहुत पोर्ट्रेट्स के लिए यूज़ करा जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता। और फ्रंट में बात करिए तो 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि Realme की इमेज प्रोसेसिंग के साथ अच्छे फोटोज़ निकाल देता है। फोटोज़ और कैमरा के डिपार्टमेंट में आपको कोई भी इशू नहीं देखने को मिलने वाला। अब मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो क्या ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? देखो, अभी ये फ़ोन लेने लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा है और इसके कंपटीशन में जो फ़ोन देखने को मिलते हैं वो जनरली हर चीज़ के अंदर इससे बेटर है। मोटो A50 फ्यूजन की बात करिए तो इससे बहुत ज़्यादा बेटर है। वीवो T3 नया फ़ोन आया है, उसके अंदर इससे ज़्यादा बेटर फीचर है। और मोटो H50 की बात करी जाए तो वो तो है ही बहुत ज़्यादा बेटर, और साथ में नथिंग वथिंग की बात करी जाए तो वो भी इससे बहुत ज़्यादा बेटर है। तो ये फ़ोन तो बिल्कुल लेने लायक है ही नहीं फिलहाल। अगर ये कभी 20,000 के नीचे मिले तो हाँ, डेफिनेटली एक अच्छी चॉइस हो सकती है।